और अब बात आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की। आज अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट रखने के मामले में सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने दस्तावेज के साथ पासपोर्ट अधिकारी को भी तलब किया है। आपको बता दें कि 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइन थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था और अब इस मामले पर आज सुनवाई का दिन है। 2019 का यह मामला जहां सुनवाई की खबर मिल रही है, एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। अब्दुल्ला आजम के ऊपर दो पासपोर्ट रखने के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट अधिकारी को भी तलब किया है कि एक साथ दो पासपोर्ट रखने के इस मामले में जो सवाल जवाब है वो भी किया जाएगा। पासपोर्ट अधिकारी को भी तलब किया गया है, साथ में तमाम दस्तावेज हैं। आकाश सक्सेना ने इस मामले को दर्ज कराया था 2019 में रामपुर सिविल लाइन थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था और तब से यह मामला चल रहा है, जहां आज खबर यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है।